What's guys, Sanjoy Kir here. Welcome to IFL. Eggless chocolate strawberry cake बना रहा हूँ. Strawberries हैं season में. Festive season भी चल रहा है. Christmas आने वाला है. और recently मेरी wife Payal का birthday भी था. तो केक बेक कर रहा था तो सोचा आप सबके साथ भी ये रेसिपी शेयर कर देता हूँ. Eggless रेसिपी है, बहुत ही ईजीली बन जाती है. ये वाले रेसिपी के साथ आप नॉर्मल चॉकलेट केक भी बना सकते हो, बट स्ट्रॉबेरी सीजन में इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरीज भी इसमें इंक्लूड कर दी हैं. एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज होगा, चॉकलेट गनाश बनेगी, फिर स्ट्रॉबेरीज को लेयर किया जाएगा केक के अंदर और फिर उसके ऊपर थोड़ी सी न्यूटेला डाली जाएगी. बहुत ब्यूटीफुल भी ये केक दिखता है और बहुत डिलिशियस भी लगता है. साथ ही में क्रिसमस है कुछ ही दिनों में और मैंने पिछले क्रिसमस के टाइम पर आप सबके साथ एक एगलेस नो अल्कोहल प्लम केक की रेसिपी शेयर की थी और वो प्लम केक आप सबको बहुत पसंद आया था. अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो केक की रेसिपी नहीं देखी हुई है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मेंशन कर दूंगा, ज़रूर देखो और क्रिसमस पर वो रेसिपी ज़रूर बनाना. सबसे पहले एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज कैसे बनाया जाता है वो देख लेते हैं. एक बोल में 100 ग्राम सॉफ्ट बटर और 15 ग्राम कैस्टर शुगर डालकर आपको विस्क के साथ अच्छे से इसको मिलाना है, अच्छे से फेंट लेना है जब तक कि शक्कर जो है डिजॉल्व नहीं हो जाती और बटर थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता. तो आप देख सकते हो हमारा बटर एकदम क्रीमी और फ्लफ़ी हो चुका है. इस स्टेज पर 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क और 5 ml वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दो और अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लो. एक बार जैसे ही सारी चीज़ें मिल जाएं तब इसके अंदर 100 ml दूध ऐड कर दो और फिर से इसको हल्का सा मिला लो जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं. एक बार दूध भी अच्छे से मिल गया है तो एक बोल में 55 ग्राम्स दही ले लीजिए, साथ ही में आधा टीस्पून विनेगर डालकर अच्छे से मिला लीजिए. अब ये दही और विनेगर के मिक्सर को भी बोल में ऐड कर दीजिए और अच्छे से मिला लीजिए. ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सर रेडी हो गया है. अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिला लेते हैं. एक छन्नी में 100 ग्राम्स मैदा, 30 ग्राम्स कोको पाउडर और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से छान लीजिए. ये जो लास्ट में कोको पाउडर के लम्ब्स बच जाते हैं स्पून से उनको भी थोड़ा प्रेस करके छान लीजिए. अब एक विस्क की मदद से सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिला लेना है. ध्यान देना है कि मिलाते समय आपको ओवर मिक्स नहीं करना है ये बैटर को, बस हल्का सा मिला लेना है जब तक कि सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं. लास्ट में एक स्पैचुला लेकर नीचे से भी इसको हल्का सा मिक्स कर लीजिए ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिल जाएं. तो ये हमारा केक का बैटर आप देख सकते हो रेडी हो गया है. यहाँ पर मैंने 7 इंच के केक टिन को 5 मिनट पेपर से, बटर पेपर से लाइन कर दिया है. अब इसमें हमारा जो केक बैटर है उसको ऐड कर दीजिए. केक बैटर ऐड करने के बाद आप इसको ऊपर से इस तरीके से थोड़ा सा लेवल आउट कर लीजिए. फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अच्छे से इसको टैप करना है कि एयर पॉकेट से एयर बबल्स होंगे वो रिलीज़ हो जाए. अब इस केक को आपको 170 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड ओवन में 30 मिनट्स तक बेक करना है. तो एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज को मैंने बेक करने रख दिया है. 30 मिनट्स में परफेक्टली बेक हो जाता है. जब तक केक बेक हो रहा है जो एक केक में बाकी की चीज़ें लगने वाली, जो बाकी की तैयारी है वो क्या क्या चीज़ें करनी है वो अभी कर लेते हैं, तब तक हमारा केक बेक हो जाएगा. चॉकलेट गनाश बनाने के लिए एक बर्तन में पानी को उबाल लीजिए, उसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल्ड रख दीजिए. ये डबल बॉयलर वाला सेटअप हमारा बन गया है. अब इसमें 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट कंपाउंड और 100 ग्राम्स फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए. अब इसको आपको अच्छे से मिलाना है जब तक कि चॉकलेट और क्रीम अच्छे से मिल नहीं जाती है. चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए और एक मिक्सर इसका तैयार हो जाना चाहिए. तो आप देख सकते हो इस तरीके से इसका एक मिक्सर बन जाएगा और ये हमारी चॉकलेट गनाश रेडी हो गई है. इसको अभी आपको निकाल कर इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा देना है, इसको कवर कर लेना है. क्लिंग रैप अगर लगा रहे हो तो थोड़े से होल्स बना दो और फिर इसको रेफ्रिजरेटर में रख दो लगभग 25 से 30 मिनट के लिए. अब स्ट्रॉबेरीज की फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में 300 ग्राम चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज ले लीजिए. इसमें 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शक्कर ऐड कर दीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिए. शक्कर की वजह से स्ट्रॉबेरीज में से हल्का हल्का पानी जो है, मॉइस्चर जो है रिलीज हो जाएगा और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और हल्की सी मीठी भी हो जाएंगी. इसको केक में यूज करने तक अब साइड पर रख दीजिए. शुगर वाटर बनाने के लिए एक बोल के अंदर 1/4 कप शुगर ले लीजिए और 1/2 कप बॉइलिंग वाटर ऐड करके आपको अच्छे से स्टर करना है जब तक कि शुगर जो है वो मेल्ट नहीं हो जाती है. आप देख सकते हो शुगर मेल्ट हो चुकी है और ये हमारा शुगर वाटर रेडी हो गया है. इसको हम केक मॉइस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे. तो केक की बाकी जितनी सारी तैयारी थी वो भी हो चुकी है. 30 मिनट्स भी हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज जो है वो किस तरीके से बेक हो गया है. तो आप देख सकते हो केक हमारा एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है. इसको चेक करने के लिए एक टूथपिक ले लीजिए और एकदम बीचों बीच ऐसे इंसर्ट करके देखिए. आपका टूथपिक एकदम क्लीन निकलना चाहिए. आप देख सकते हो टूथपिक एकदम क्लीन है, इसका मतलब है हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो गया है.
अब इसे 10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दीजिए डीमोल्ड होने से पहले। 10 मिनट के बाद एक वायर रैक या प्लेट को ऊपर रख के इसको इन्वर्ट कर दीजिए और केक को डीमोल्ड कर लीजिए। अब इसका जो बटर पेपर है उसको भी निकाल दीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट भी है, एकदम परफेक्टली बेक हुआ है। इसे अभी एक मॉइस्ट कपड़े से ढककर लगभग और 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। एक बार आपने केक को रेस्ट दे दिया है तब इसे एक चॉपिंग बोर्ड या प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए। अब इसे हमें कट करना है। कट करने के लिए यहाँ पर मैं एक सीरेटेड नाइफ यूज़ कर रहा हूँ। आप नॉर्मल नाइफ से भी इसको कट कर सकते हैं। आज मैं इसके 3 अलग अलग लेयर्स बना रहा हूँ। आप चाहें तो सिर्फ 2 लेयर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप 3 लेयर्स में इसको डिवाइड कर लो। एकदम इक्वल होने चाहिए आपके लेयर्स। अब इसे लेयर करने के लिए यहाँ पर मैं केक स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ। आप प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चॉकलेट गनाश थी हमारी अब सेट हो चुकी है। आप देख सकते हो थोड़ी सी चॉकलेट गनाश बीचों बीच इस तरीके से लगा दीजिए। फिर एक लेयर जो है हमारे स्पॉन्ज का उसको प्लेस कर दीजिए और इसको चिपका दीजिए। आसानी हो जाती है लेयर करने में। अब केक के ऊपर आपको हमारा जो शुगर वाटर था वो एक ब्रश की मदद से अच्छे से लगा देना है। ब्रश आपके पास नहीं है तो चम्मच यूज़ कर लीजिए। इवनली इस शुगर वाटर को आपको लगा देना है। इससे केक बहुत मॉइस्ट बनता है। एक बार आपने शुगर वाटर लगा दिया है इसके ऊपर अब गनाश लगानी है। तो गनाश हम 2 लेयर्स में लगाने वाले, तो यहाँ पर मैं आधी गनाश जो है यूज़ कर रहा हूँ। गनाश को इवनली केक के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। एक बार आपने केक के ऊपर इसे स्प्रेड कर लिया है, साइड्स को आप इस तरीके से थोड़ा सा क्लीन कर सकते हैं। तो हमारी गनाश भी हमने लगा ली है। अब जो स्ट्रॉबेरीज हमने प्रेप करके रखी थी, आप देख सकते हो इसमें पानी छूट चुका है, तो पानी निकाल कर आपको बस स्ट्रॉबेरीज ऐड करनी। तो यहाँ पर आधी स्ट्रॉबेरीज में यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरीज को भी केक के ऊपर ऐड करके इवनली स्प्रेड आउट कर दीजिए। एक बार आपने स्ट्रॉबेरीज अच्छे से लगा ली है, फिर से और एक स्पॉन्ज का लेयर रखिए और सेम प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। पहले शुगर वाटर लगाना है, उसके बाद गनाश लगानी है और उसके बाद चॉप स्ट्रॉबेरीज आपको फिर से लगा देनी है। ये वाला लेयर भी कंप्लीट हो गया। तो फाइनल लेयर रख दीजिए स्पॉन्ज का। अब यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रॉबेरीज से जो पानी निकला था इसमें काफ़ी फ्लेवर होता है, तो ये पहले मैं केक के ऊपर लगा रहा हूँ। केक के ऊपर अच्छे से ये वाला भी शुगर वाटर जो है स्ट्रॉबेरी वाला लगा दीजिए। बाकी के स्पॉन्ज पे आप जो बचा हुआ हमारा शुगर वाटर है उसको भी अच्छे से लगा दीजिए। अब यहाँ पर मैं न्यूटेला ऐड कर रहा हूँ। आप गनाश भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ी सी बनाकर। तो न्यूटेला को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था और इस तरीके से इसको पोर करके इवनली स्प्रेड आउट कर दीजिए। इसको हल्का सा डिज़ाइन देने के लिए मैं इस तरीके से ऑफसेट स्पैचुला से थोड़ा सा ऐसे लाइंस दे रहा हूँ कि बाद में अच्छा दिखे। अब गार्निश करने के लिए मैं स्ट्रॉबेरीज यूज़ कर रहा हूँ। स्ट्रॉबेरीज को मैंने हाफ कट कर लिया है और इसको इस तरीके से डेकोरेट कर रहा हूँ। आप अपने केक को जिस तरीके से भी डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो हमारा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट केक रेडी हो गया है। इसे अभी आपको लगभग 1 घंटे के लिए कम से कम फ्रिज में रेस्ट होने देना है ताकि ये सेट हो जाए कट करने से पहले। आज मैंने स्ट्रॉबेरीज यूज़ किए हैं। अगर आप ये वाली रेसिपी में स्ट्रॉबेरी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ चॉकलेट गनाश और चॉकलेट स्पॉन्ज यूज़ करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस आपका सेम रहेगा, तो आप घर पे इजीली चॉकलेट केक बना सकते हो। तो 2 रेसिपीज़ आपको पता चल गई आज। ऊपर मैंने थोड़ा सा न्यूटेला डाला है। आप चाहें तो गनाश डाल सकते हैं। गनाश से पूरी तरीके से भी केक को कवर कर सकते हैं। आज मैंने केक के लेयर्स को इसी तरीके से ओपन रखा है, तो बहुत सारे वर्जन्स बन सकते हैं। बेसिक रेसिपी मैंने आपको आज बता दी है। केक को मैंने अभी सेट भी कर लिया है। इसको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है केक और बहुत ही डिलिशियस भी लगता है। फेस्टिव सीजन है, क्रिसमस है, न्यू ईयर्स है, किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी है, तो ये वाला केक बनाओ। स्ट्रॉबेरीज नहीं होंगी सीजन में तो चॉकलेट केक बनाओ। बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही डिलिशियस और बहुत ही अमेजिंग ये केक बनता है। जब भी ये रेसिपी ट्राई करोगे मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी और केक कैसे बना। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। चीयर्स।